हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेविगेट इंस्टीट्यूट। आज से हम एक आपके लिए नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज। अगर आप UPPSC AE की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टेक्निकल की क्लासेस आपको रेगुलर बेसिस पर मिल रही हैं, और आपका GS पोर्शन कवर कराने के लिए हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है उत्तर प्रदेश GK। आप अगर UPPSC AE के अलावा UPSI या कांस्टेबल की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं वो देखेंगे हम उत्तर प्रदेश की जियोग्राफी। ठीक है, उसके लिए हमको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अक्षांश देशांतर का होना चाहिए। तो आज की इस क्लास में हम थोड़ा सा बेसिक देखेंगे अक्षांश एवं देशांतर के बारे में, लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हमको ये समझना है कि लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होता क्या है। ठीक है, तो एक सिंपल सी डेफिनेशन आप याद रखिए, द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, द एंगुलर मेजरमेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। पृथ्वी की सरफेस पर, पृथ्वी की सतह पर किसी भी बिंदु की नापी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? आपकी अक्षांश तथा देशांतर कहलाती है। अब हमको बेसिक डिफरेंस समझना है कि लेटीट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो भी हम वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करेंगे, जो भी हम वर्टिकल डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहलाती है लेटीट्यूड, और जो हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करेंगे वो कहलाती है लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए कि जो हमने ये लेटीट्यूड मार्क करके रखा है, ये देखिए, ये सेंटर से नापी गई किसी भी पॉइंट की दूरी क्या कहलाती है? हमारी लेटीट्यूड। जैसे ही हमने हर एक डिग्री पर क्या किया हुआ है, लाइंस खींची हुई, सर्कल लाइन खींची हुई, देखो कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से लाइंस, कैसे लेटीट्यूड्स की लाइंस कुछ इस टाइप से खींची हुई है। अब इन लाइंस को देख के आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि ये जो लाइंस हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये लाइंस एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। तो एक पॉइंट क्या हुआ कि लेटीट्यूड कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप लॉन्गिट्यूड्स की लाइन देखिए, ये देखिए जो साउथ पोल से नीचे की ओर आती हुई आपको लाइंस दिख रही हैं, देखिए ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर आती हुई जो आपको लाइंस दिख रही हैं ये हमारी क्या कहलाती हैं? लॉन्गिट्यूड्स। जो वर्टिकल्स लाइन है हमारी ये क्या कहलाएंगे? लॉन्गिट्यूड्स। ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, ये हमारे क्या कहलाएंगे? लॉन्गिट्यूड्स। लेकिन आप एक चीज देखिए कि नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये लाइंस एक दूसरे को कट कर रही हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई। अब हमको एक चीज और देखनी है कि दो हमको यहाँ रेड लाइन दिखाई दे रही हैं, रेड लाइंस जो हाईलाइटेड हमको दिखाई दे रही हैं, एक लाइन तो ये है और दूसरी लाइन ये है। ठीक है, तो इन लाइंस को बोला जाता है, इन लाइंस को बोला जाता है इक्वेटर, इन लाइंस को बोला जाता है इक्वेटर एवं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, तो क्या होता है इक्वेटर? वो लाइन जो पृथ्वी को, अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करे, कैसे? हॉरिजॉन्टली। वो लाइन जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करे, दो पार्ट में डिवाइड करे हॉरिजॉन्टली, उसे हम क्या बोलते हैं? इक्वेटर। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है 0 डिग्री लेटीट्यूड। इसका दूसरा नाम क्या होता है? 0 डिग्री लेटीट्यूड। ठीक है, अब जो लाइन वर्टिकली अर्थ को दो पोर्शन में, दो हिस्सों में डिवाइड करे, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्या कहते हैं? प्राइम मेरिडियन और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब एक चीज तो हमको समझ में आ गई कि लेटीट्यूड लेटीट्यूड होता क्या है, लॉन्गिट्यूड होता क्या है, लेकिन
ये जो लाइंस हैं ये हमने अर्थ पर क्यों खींची हुई हैं, इसका यूज़ क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। तो अब हम देखते हैं कि यूजेस क्या हैं इस चीज़ के। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो हमारे लेटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स हैं इसके बारे में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, एक चीज़ और याद रखनी है कि इट इज़ अ इमेजिनरी लाइन। ठीक है, ये जो लाइंस हैं ये काल्पनिक लाइन है, कोई वास्तविक लाइंस नहीं है, सिर्फ हमने कल्पना की है कि हमारी अर्थ पर कुछ इस तरह से लाइंस खींची हुई हैं, लेकिन वास्तव में ये कोई सी भी लाइन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, अब एक चीज़ और देखिए जो इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बताता चल रहा हूँ कि हमारे इक्वेटर ने क्या किया है। इक्वेटर ने अर्थ को दो भागों में डिवाइड किया है, दो भागों में डिवाइड किया है, और इसको दो भागों में डिवाइड करने के बाद हमको इसको कुछ नाम देना पड़ेगा। जब दो भागों में डिवाइड होगा तो इसको कुछ नाम देना पड़ेगा। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन है, इसको हमने नाम दिया नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। क्या नाम दिया? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। और नीचे वाले पोर्शन को हमने नाम दिया साउदर्न हेमिस्फेयर, साउदर्न हेमिस्फेयर। और इसके नॉर्थ डायरेक्शन में जाने पर जो लास्ट पॉइंट होगा, ठीक है, क्या होगा? लास्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं हम? नॉर्थ पोल। क्या बोलते हैं हम? नॉर्थ पोल। और इसी तरह जो सबसे लास्ट पॉइंट साउथ डायरेक्शन का होता है, उसे हम बोलते हैं साउथ पोल, उसे हम बोलते हैं साउथ पोल। और ये तो आपको पता है कि हमारी एक्सिस कहाँ से पास होती है, हमारी अर्थ की एक्सिस पास होती है नॉर्थ और साउथ पोल से। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। अब आप एक चीज़ और देखिए कि हमने बात की थी एप्लीकेशंस क्या है इस चीज़ की, लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स का यूजेस क्या है। तो बेसिकली ये जो यूज होता है किसी भी पॉइंट की लोकेशन मार्क करने के लिए यूज होता है। ठीक है, एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी अदर पॉइंट की लोकेशन मार्क करने के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं? लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का। ठीक है, देखिए आप, जहां पर प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पर प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री पॉइंट। ठीक है, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? 0 डिग्री। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0 0। क्या कोऑर्डिनेट होंगे? 0 0। ठीक है, अब यहां पर मैंने एक चीज मार्क करके रखी है, एक लोकेशन मार्क करके रखी है, वॉशिंगटन DC। क्या मार्क करके रखा है? वॉशिंगटन DC। अब ये तो आपको सबको पता है कि वॉशिंगटन DC क्या है, ये अमेरिका की राजधानी है, कैपिटल ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो अगर मैं 0 पे खड़ा हूं, अगर मैं 0 लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पर खड़ा हूं और मुझे वॉशिंगटन DC की लोकेशन फाइंड आउट करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? ये सबसे बड़ा एक क्वेश्चन था उस टाइम पे कि हम किसी भी पॉइंट की लोकेशन नहीं बता सकते थे, तो उसके लिए डेवलप किया गया लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आप देखिए जो लाइंस इस टाइप से खींची हुई है, ठीक है, और ये लाइंस लेटिट्यूड की इस टाइप से खींची हुई है, तो ये क्या कर रही हैं? ये लाइंस क्या कर रही हैं? एक ग्रेड पैटर्न क्रिएट कर रही हैं। ठीक है, देखिए एक ग्रेड बन रहा है यहाँ पे, एक ग्रेड बना, ऐसे ही यहाँ मैं लाइन खींचूँ तो यहाँ पे एक ग्रेड बन रहा है, यहाँ पे एक ग्रेड बन रहा है। ठीक है, एक ग्रेड का पोर्शन कर रही हैं, क्या कर रही हैं? फॉर्मेशन कर रही हैं। और जहाँ भी इन ग्रेड का इंटरसेक्शन होता है ना, जिस पॉइंट पे इन ग्रेड का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, वो हमको क्या दे के जाते हैं? उस लोकेशन का कोऑर्डिनेट। क्या दे के जाते हैं? उस लोकेशन का कोऑर्डिनेट। अब यहां पे देखिए आप कि अगर मैं एक्स डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करूं, एक्स डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करूं, वो मैं कितना चलूं? 77 डिग्री। कितना चलूं? 77 डिग्री। ठीक है, और मैं वाई डायरेक्शन में 39 डिग्री। कितना चलूं? 39 डिग्री। तो मैं कहां पहुंच जाऊंगा? वॉशिंगटन DC। तो वॉशिंगटन DC की हमको कोऑर्डिनेट मिल गए, क्या मिल गए? 77 डिग्री, 77 एंड 39। ठीक है, जो पहला कोऑर्डिनेट है वो किसका है? एक्स डायरेक्शन का, और जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो किसका है? वाई डायरेक्शन का।
ये बात आपको समझ में आई कि किसी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे पॉइंट की लोकेशन फाइंड आउट करना, यही मेन पर्पस है किसका, लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड का। अब आप देखते हैं कि आप मैप यूज करते होंगे, हर कोई मैप यूज करता है, वहां पे एक लोकेशन आप टाइप करते हैं, एक नेम टाइप करते हैं, और वो आपको फटाक से बता देता है, आपको रूट बता देता है, आपको रेस्टोरेंट वेस्टोरेंट जो भी आप पूछते हो वो आपको उस चीज का रूट बता देता है मैप। तो बेसिकली उसमें होता क्या है, उसमें नंबर्स होते हैं, उसमें नंबर्स होते हैं और डायरेक्शन होती है, नंबर्स होते हैं और डायरेक्शन होती है, जिससे आपको वो रूट बता पाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। हाँ, अब एक चीज और बताने वाली है, वो ये है कि देखिए यहां से हमने क्या बोला है कि हर एक डिग्री पर हमने लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की लाइन खींची हुई, कितनी, हर एक डिग्री पर। तो हमको क्या पता है, जो वर्टिकल लाइन हमारी कितनी होती है, 90 डिग्री, कितनी होती है, 90 डिग्री। तो नॉर्थ पोल हमारा कितना होगा, 90 डिग्री, उसी तरह हमारा साउथ पोल कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आप कि जो आपने हर एक डिग्री पर लाइन खींची हुई है, तो ये कितनी लाइंस हो जाएंगी, कितनी लाइंस हो जाएंगी, 90। कितनी लाइंस हो जाएंगी ऊपर, अपर साइड में, 90 लाइंस। ठीक है, उसी तरह डाउन साइड हम जाएंगे तब भी कितनी लाइंस हो गई, 90। तो लेटीट्यूड की संख्या कितनी हुई, 90 90 180, आपके मन में यही आ रहा होगा। लेकिन आप एक चीज और याद रखिएगा कि जो हमारा इक्वेटर रहेगा, जो हमारा इक्वेटर रहेगा, वो भी एक लाइन है, 0 डिग्री लाइन। ठीक है, 0 डिग्री इक्वेटर, वो भी हमारी एक लाइन है, तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, टोटल लाइंस कितनी हो जाएंगी, 1 181। टोटल लेटीट्यूड्स की लाइंस कितनी हो जाएंगी, टोटल लेटीट्यूड्स कितने हो जाएंगे, 181। ठीक है, उसी तरह आप देखिए, हम एक कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, बेसिकली लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या है, एक सर्कल को हमने 360 डिग्री में डिवाइड कर दिया। सर्कल कितना, कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो हर एक डिग्री पे जो हम लाइन खींचेंगे, तो कितनी लाइन खींच सकते हैं, 360। ठीक है, कितनी लाइन खींच सकते हैं, 360। अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, एक डाउट और आ रहा होगा कि अगर 360 वो लाइन हो गई जो प्राइम मेरिडियन की लाइन है, 0 डिग्री लाइन है, उसको हम ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 361। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं होता है, जब भी हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसका 0 0 0 डिग्री और 360 डिग्री जो होता है ना, वो एक ही एंगल होता है। ठीक है, तो वहां पर एक ही लाइन बनेगी। तो टोटल लॉन्गिट्यूड्स कितने होंगे हमारे, 360। यहां तक आपको क्लियर हुआ। चलिए अब हम आगे देखते हैं जो हमको समझना है इसमें। ठीक है, अब आप एक मैप देखिए, ये आपको ग्लोब दिखाई दे रहा होगा, हमारा इंडिया हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैंने आपको एक चीज तो बता दी, इक्वेटर, अभी मैंने आपको क्या बताई, इक्वेटर बताया। ठीक है, दूसरी चीज मैंने आपको बताई प्राइम मेरिडियन, इसका आपको पर्पस भी पता चल गया कि क्या कर रही हैं, दोनों चीजें अर्थ को डिवाइड कर रही हैं दो पोर्शन में। ठीक है, जो इक्वेटर है हमारा, वो अर्थ को डिवाइड कर रहा है नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में। जो प्राइम मेरिडियन है, वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में क्या कर रहा है, अर्थ को डिवाइड कर रहा है। अगर आपको हिंदी में जानना है तो इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, इसको बोलते हैं पूर्वी गोलार्ध और इसको बोलते हैं पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, यहां तक बात आपको क्लियर हुई। अब देखिए, यहां पे हमको इक्वेटर तो दिखाई दे रहा है, जो हमको पता है कि इक्वेटर क्या होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफायर करके यहाँ पे दो लाइन्स और दिखाई दे रही। कौन कौन सी लाइन दिखाई दे रही, एक तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये दो लाइन स्पेसिफाई करके यहाँ रखी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्यों हमने इनको अलग से नाम दे रखा है। ठीक है, ये भी जनरली लाइन्स ही हैं, तो पहले तो आप इनका नाम देखिए। ठीक है, जो ऊपर वाली लाइन्स है, कौन सी, 23.5 डिग्री नॉर्थ, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो 23.5 डिग्री साउथ वाली लाइन है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब हमने इसका नाम स्पेसिफाई क्यों किया हुआ है, पहले हम इस बात को समझते हैं।
देखिए, जो हमारा सन है हमारा, सन बेसिकली क्या है, ये हमारा जैसे सन हो गया, ये हमारा अर्थ हो गया। तो हमारा सन जो है वो क्या है, स्टेबल है। वो हमारे अर्थ क्या कर रही है, हमारे सन का रोटेशन कर रही है। और हमको एक चीज़ और पता है कि जो अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, वो अपने एक्सेस से टिल्ट है। क्या है, अपनी एक्सेस से टिल्ट है। कितना टिल्ट है अभी बताते हैं, ठीक है। वो हमारी एक्सेस से टिल्ट है, कितना, 23.45 डिग्री, इतना क्या है, टिल्ट है, ठीक है। होता क्या है, इस टिल्ट के कारण क्या होता है कि जो हमारा सन है, जो हमारा सन है वो इसी पोजिशन में मूव करता है, जो हमारा सन है वो इसी पोजिशन में मूव करता है हमेशा, ठीक है। जो पूरे अर्थ पर है वो 12 महीने सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होगी, सिर्फ इस पोजिशन में होगी। क्या होगी, इस पोजिशन में, बीच वाले पोजिशन में होगी, ना इधर होगी ना इधर होगी, ठीक है। यहाँ तो सबसे ज्यादा गर्मी हो, सबसे ज्यादा ठंडी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, इसलिए हमेशा यहाँ पे क्या होता है, बर्फ जमी होती है। क्या होता है, बर्फ जमी होती है, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुई। अब आप सोच रहे होंगे कि सूर्य थोड़ी ना मूव करता है, सन थोड़ी ना मूव करता है, अर्थ मूव करती है। तो जी हाँ, अर्थ मूव करती है, ठीक है। पहले आप इस चीज को समझिए, ठीक है। इतना चीज आपको क्लियर हुई कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, ठीक है। यहाँ आपको क्लियर हुआ बात। अब चलते हैं, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ जो उसकी, ये आपके लिए डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आप देख लेकर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, मैंने आपको क्या बोला कि जो हमारा सन है, जो हमारा सन है वो स्टेबल है, जो हमारी अर्थ है वो मूव कर रही है, ठीक है, मूव कर रही है। लेकिन हमारी अर्थ एक्चुअल एक्सिस से क्या है, टिल्ट है। एक्चुअल एक्सिस से क्या है, टिल्ट है। अब आप देखिए, अगर अर्थ, हमारा जो अर्थ है वो सीधा एक्सिस उसकी होती, एक्सिस उसका क्या होता, एकदम वर्टिकल होता, ठीक है, तो हमारे सन से आने वाली जो रोशनी है, जो लाइट है, वो सीधा इस टाइप से पड़ती, ठीक है, इस टाइप से पड़ती। लेकिन एक चीज और आप याद रखेंगे यहाँ कि अगर अर्थ जो है, अर्थ की जो एक्सिस है, अगर वो सीधी होती तो अर्थ का जो घूर्णन है, जो अर्थ का रोटेशन है, वो किस टाइप से होना चाहिए था, इस डायरेक्शन, किस टाइप से होना चाहिए था, और इस डायरेक्शन। लेकिन हमको पता है कि जो अर्थ हमारी है वो कितना टिल्ट है, 23.45 डिग्री टिल्ट है, ठीक है। तो उसके कारण, टिल्ट होने के कारण जो रोटेशन है वो किस, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और हमारे जो इक्वेटर है, देखिए ये क्या रेड लाइन से मेंशन किया हुआ है, इक्वेटर, क्या किया हुआ है मेंशन, इक्वेटर। यहाँ पे कुछ आपको डेट बता दूं मैं कि 23 डिग्री, सितंबर 23 और मार्च 21, सितंबर 23 और मार्च 21 को क्या होता है, जो हमारा सन है, जो हमारा सन है वो परपेंडिकुलर होता है किसके, किसके परपेंडिकुलर होता है, इक्वेटर के, किसके परपेंडिकुलर होता है, इक्वेटर के। देखिए आप, मार्च 21 और सितंबर 23, ठीक है, किसके, सन किसके पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, सॉरी, किसके परपेंडिकुलर है, इक्वेटर के। लेकिन जो अर्थ है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अर्थ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, एक सीमित कक्षा में वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है सन का, सन को क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ठीक है, सन का चक्कर लगा रही है। तो आप देखिए, जब अर्थ की ये वाली पोजिशन आई, ये वाली पोजिशन आई, ये वाला पॉइंट आया कि सन के रिस्पेक्ट में अर्थ कुछ इस टाइप से, और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है विंटर सीजन, क्या लिखा हुआ है, विंटर, उसके जस्ट अपोजिट हमने लिखा है समर, उसके जस्ट अपोजिट हमने क्या लिखा है, समर। देखिए, हमको एक बात पता है कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया जो है हमारा, वो किस गोलार्ध में है, नॉर्दर्न, किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अब इस पोजिशन को, इस कंडीशन को आप अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और समझिए कि
कि जो हमारे सन है, सन से निकलने वाली जो किरणें हैं, जो लाइट है, वो इस टाइप से कुछ मूव करेंगे, इस टाइप से कुछ मूव करेंगे। ठीक है, तो देखिए आप, जो इक्वेटर है, रेड लाइन से हमने क्या बना के रखा है, इक्वेटर है। तो ज्यादातर जो सन है, सन कहाँ जा रहा है, सन कहाँ जा रहा है, नीचे साइड जा रहा है। कहाँ जा रहा है सन, नीचे साइड जा रहा है। कौन से दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा जा रहा है, सन की किरणें कहाँ जा रही हैं, दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा जा रही हैं। ठीक है, साउदर्न हेमिस्फेयर में बहुत ज्यादा जा रही हैं। ठीक है, तो ये डेट होती है कितनी, दिसंबर 22, कितनी होती है, दिसंबर 22। इस डेट पे क्या होता है, यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कीजिए कि हमारी ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर और नीचे दो लाइंस हैं। इक्वेटर के ऊपर नीचे हमने दो लाइंस बन आपको बताई थी, ड्रॉ करके दो लाइंस हैं। ऊपर वाली को हमने बोला था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाली को हमने बोला था ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो जो हमारा 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर को क्या होता है, जो हमारा सन है वो किसके परपेंडिकुलर होता है, किसके परपेंडिकुलर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा के परपेंडिकुलर होता है। मतलब कि इस वाले पोर्शन में, साउदर्न हेमिस्फेयर में क्या रहेगा, सबसे ज्यादा गर्मी रहेगी। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ रहेगी, साउदर्न हेमिस्फेयर में। ठीक है, अब जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है, ये आप देखिए कि यहाँ पर सन की किरणें क्या है, अभी कम आ पा रही हैं। अगर सन की लाइट कम आ पाएगी तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में कौन सी गैस प्रेजेंट है, CO2। CO2 क्या करती है, सन की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करके रखती है। क्या करती है, एब्जॉर्ब करके रखती है, जिससे हमको गर्मी और ठंडी का एहसास होता है। तो यहाँ देखिए आप, अभी क्या कर रहे हैं, जो सन है, सन की जो लाइट है वो कहाँ, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में क्या आ रही, कम आ रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कम आ रही। तो इसका मतलब क्या है कि अभी जो CO2 है वो कम होल्ड करके रख पाएगी, किसकी, सन की लाइट को, जिससे हमारे यहाँ क्या होता है, विंटर सीजन आता है। हमारे यहाँ विंटर सीजन आता है, दिसंबर टाइम पे हमारे यहाँ क्या आता है, विंटर सीजन आता है। उसके अपोजिट यहाँ आपको पता है कि मकर रेखा पर कौन सा अपना कंट्री है, कौन सा है, कैनेडा, ओ सॉरी ऑस्ट्रेलिया, कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो जो दिसंबर है, दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ऑस्ट्रेलिया में वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसके जस्ट अपोजिट वाला अपन देखते हैं कि अब हमारे यहाँ क्या आ गया, समर आ गया। इंडिया में क्या आ गया, समर आ गया। इंडिया की लोकेशन है, अब जब अर्थ ने, जब हमारे अर्थ ने इस टाइप से मूवमेंट किया, इस लोकेशन पर आई, तब क्या हुआ, तब क्या हुआ कि अभी भी रोटेशन ये था। अब देखिए एक्चुअल जो एक्सेस है, एक्चुअल एक्सेस क्या होनी चाहिए थी अर्थ की, ये होनी चाहिए थी, लेकिन अभी है क्या, ये है, इस टाइप से ये झुकी हुई है। ठीक है, इससे हुआ क्या कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर, इक्वेटर ने हमारे अर्थ को दो भागों में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, और अब क्या हो रहा है कि जो सन है, सन है, जो सन की लाइट हमारे यहाँ आ रही है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बहुत ज्यादा आ रही है। और देखिए यहाँ देखिए आप, साउदर्न हेमिस्फेयर में जा रही क्या, नहीं जा रही, बहुत कम जा रही, साउदर्न हेमिस्फेयर में बहुत कम जा रही। तो क्या होगा, ज्यादा लाइट आएगी, जो CO2 है वो ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करके रखेगी, तो गर्मी बढ़ जाएगी, क्या होगी, गर्मी बढ़ जाएगी। और यहाँ पर एक डेट दे रखी है, 22 जून, यानी कि 22 जून को जो हमारा सन है, सन है वो किसके परपेंडिकुलर होता है, वो परपेंडिकुलर होता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा के परपेंडिकुलर होता है। और मकर रेखा हमारे इंडिया से कहाँ से पास होती है, कहाँ से पास होती है, हमारे पड़ोसी राज्य से पास होती है, मध्य प्रदेश से पास होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो क्या हुआ, यहाँ पर गर्मी सबसे ज़्यादा पड़ेगी 22 जून को। आप देखना कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और जो राज्य इस मकर रेखा पर स्थित हैं उनमें सबसे ज़्यादा गर्मी होगी। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। अब एक बेसिक कॉन्सेप्ट और, जो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट बना रहे, आगे सब्जेक्ट जब हम पढ़ेंगे ना उसमें इंटरेस्ट रहना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब आपको एक चीज और मैं आपको नोटिस करा दूं कि एक चीज हमने देखी है, जो कर्क रेखा और मकर रेखा है, ये हम मानेंगे इक्वेटर हमारा, ये हमारा इक्वेटर, ये हमारी कर्क रेखा और ये हमारी मकर रेखा।
अब आपने देखा है कि यहाँ पर पूरे साल गर्मी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, इसी पोर्शन में मूव करता रहता है सन, तो गर्मी सिर्फ यहाँ सबसे ज्यादा रहेगी, ठीक है, कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, ठीक है। लेकिन ज्यादातर सन कहाँ पड़ता है, इक्वेटर पर, इक्वेटर पर ज्यादातर सन पड़ता है, ठीक है, और यहाँ हमेशा गर्मी बनी रहती है, यहाँ हमेशा गर्मी बनी रहती है। तो क्या होगा गर्मी के कारण, क्या होगा गर्मी के कारण, क्या होगा, जो हमारी एयर है, जो हमारी बाष्प है, वो ऊपर चली जाएगी, कहाँ, एटमोसफेयर में चली जाएगी, कंडेंस होगी, डेंस होगी, फिर जाके वो क्या करेगी, प्रेसिपिटेट कर देगी, बारिश कर देगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इक्वेटर है वो यहाँ पर 12 महीने हमेशा बारिश होती रहती है, ठीक है। ये बात आपको क्यों याद रखनी है कि जब मैं आपको जलवायु पढ़ाऊंगा और मैं आपको बोलूंगा कि हमारा जो मानसून है वो बंगाल की खाड़ी से होते हुए आता है, तब आपको ये चीज क्लियर होगी कि क्या हम कि मैंने ये सब आपको क्यों बताया, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला कि एक और कंडीशन मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने सुना है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। अब देखिए आप, ये मैंने आपको कुछ मार्क करके रखा है, हमने क्या बना के रखा है, चंद्रमा बना के रखा है, आपका चंद्रमा बना के रखे हैं, ठीक है। कहाँ गए, ये हमारे क्या है, चंद्रमामा है, ठीक है, यहाँ पे भी हमने चंद्रमामा को बना के रखा है। एक बात आप याद रखना, सीधा सीधा बहुत सिंपल का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी जो हमारा अर्थ है, मून है और सन है, जब भी एक डायरेक्शन में आ जाता है, एक ही डायरेक्शन में आता है, तभी क्या होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, पहले इस वाली कंडीशन को देखिए, पहले आप इस वाली कंडीशन को देखिए कि इस वाली कंडीशन हो क्या रहा है कि चंद्रमा जो है, हमारे चंद्रमामा है, वो सन और अर्थ के बीच में आ गए, सन और अर्थ के बीच में आ गए हैं। तो चंद्रमामा क्या करते हैं कि सन को ग्रहण लगा देते हैं, कैसे लगा देते हैं कि हमको पता है कि जो चंदा मामा जी हैं, इनकी जो सरफेस है वो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग है, क्या है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग, तो यहाँ पे इनके यहाँ लाइट पड़ती है, ये सन की लाइट को कहाँ वापस भेज देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, थीके? उसी के कारण हमको पृथ्वी पर चांद इतना चमकते हुए दिखाई देता है, रिफ्लेक्शन के कारण, ठीक है, ये लाइट को वापस भेज देते हैं। बस कुछ लाइट यहाँ से पास होके हमको दिखाई देती है, तो बीच का पोर्शन हमको क्या दिखाई देता है, चांद का, ओ सॉरी सन का क्या दिखाई देता है, काला, और साइड साइड का पोर्शन सन का चमकता हुआ हमको दिखाई देता है। इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसी कंडीशन को बोलते हैं हम सूर्य ग्रहण, सोलर इक्लिप्स, क्या बोलते हैं, सोलर इक्लिप्स, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आप, वही पोर्शन, दूसरी कंडीशन क्या हो रही है कि अब हमारा अर्थ अभी भी एक एक ही लाइन में, तीनों चीजें एक ही लाइन में, लेकिन अब क्या हुआ, अर्थ बीच में आ गया, क्या हुआ, अर्थ बीच में आ गया। अब सन की जो किरणें हैं, हमारी पृथ्वी मून से बड़ी है, तो जो सन की किरणें हैं वो अर्थ से टकरा कर यहाँ ऐसे निकल जाएंगी, यहाँ ऐसे निकल जाएंगी, कुछ ऐसे निकल जाएंगी, कुछ ऐसे निकल जाएंगे, ठीक है, कुछ ऐसे निकल जाएंगे, कुछ इस टाइप से निकल जाएंगे। लेकिन जो डायरेक्ट जो लाइट वहां पर मून पर जानी चाहिए, वो किसकी वजह से नहीं जा पा रही, अर्थ की वजह से मून पर लाइट नहीं जा पा रही है। और जब मून पर लाइट नहीं जा पाएगी तो मून किस लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, और अगर मून लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा ही नहीं तो वो हमको दिखाई भी नहीं देगा, क्या होगा, वो हमको दिखाई भी नहीं देगा। और इसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं चंद ग्रहण, मतलब चंदा मामा को क्या लग गया, ग्रहण, कौन लगाती है, पृथ्वी लगाती है, कौन लगाती है, हमारा अर्थ लगाता है, ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हुई। चलिए अब आगे देखते हैं, यहां तक जो मैंने आपको समझाया वो मेन हमको ये चीज समझनी थी जो हम आप समझने वाले। हमने क्या बोला था कि जो एक्स एक्सिस वाली हमारी सेंटर वाली लाइन है वो हमारे इक्वेटर है, उसने अर्थ को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। हमारी जो मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन, उसने उसने भी हमारी अर्थ को 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है।
किसमें? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, हमको समझना क्या है, हमको समझना क्या है, हमको ये समझना है कि हमारा जो इंडिया है, हमारा जो इंडिया है उसकी लोकेशन क्या है, उसकी लोकेशन क्या है। तो आप देखिए, वर्टिकली हमने क्या बोला था, जो वर्टिकल पोर्शन है, जो वर्टिकली काटे गए जो लाइंस हैं खींचे जाएंगी, वो हमारी क्या है, वो हमारी क्या है, वो हमारी है लेटीट्यूड्स लाइन। क्या है हमारी? लेटीट्यूड्स। ठीक है, तो लेटीट्यूड्स के हिसाब से देखेंगे हम, लेटीट्यूड्स के अगर हिसाब से देखें हम, तो ये हमारा इक्वेटर, ये हमारा इक्वेटर, और इक्वेटर के ऊपर हमारा क्या आ रहा है, हमारा इंडिया आ रहा है। ठीक है, इंडिया आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि लेटीट्यूड के हिसाब से, लेटीट्यूड के हिसाब से हमारा जो इंडिया है वो कौन से गोलार्ध में पड़ता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ पड़ता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में आता है। ठीक है, उसी तरह से, उसी तरह से जब हम बोलेंगे, हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, हम लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा ये हमारी प्राइम मेरिडियन है, ये हमारा क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वही हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हमारा जो इंडिया है, वो हमारा जो इंडिया है वो कहाँ आता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। कहाँ आता है हमारा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। ये चीज़ आपको समझ में आई? ये आपको याद रखना है, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक की सारी बातें क्लियर हुई? चलिए आगे चलते हैं। अब आप देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है, मैंने लिख रखा है लेटीट्यूडनल एंड लेटरल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, लेटीट्यूडनल और लेटरल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हम क्या देखने वाले हैं, जो हमारा इंडिया है उसका अक्षांतरी विस्तार, अक्षांतरी विस्तार हम देखने वाले हैं, किसका? इंडिया का। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं हिंदी में बताता जा रहा हूँ, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं तो आप नोट करते जाइए। ठीक है, अब देखिए आप कि जो हमारा इंडिया है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो नॉर्थ में भी एक लोकेशन होगी ना। नॉर्थ तो हमने बोला था कि, नॉर्थ हमने बोला था कि यहाँ से लेके, नॉर्थ क्या है, यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरा है। ठीक है, सॉरी, लेकिन हमारी इंडिया की भी कुछ लोकेशन होगी ना नॉर्थ में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में इंडिया की भी कोई लोकेशन होगी ना, तो वो हमको देखना है। तो जो हमारी इंडिया का मेन लैंड है, जो हमारी इंडिया का मेन लैंड है, वो स्टार्ट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 8 degree 4 minutes से। कहाँ से स्टार्ट होता है? 8 degree 4 minutes से। कहाँ से स्टार्ट होता है? 8 degree 4 minutes से। और कहाँ तक जाता है, कहाँ तक जाता है, कहाँ तक जाता है? 37 degree 6 minutes तक। कहाँ तक जाता है? 37 degree 6 minutes तक जाता है। उसी तरह, हाँ सॉरी, अभी अब एक चीज़ और आपको बतानी है कि देखिए, ये हमारा क्या है, इंडिया का मेन लैंड है। क्या है? मेन लैंड। लेकिन आपको पता है कि हमारे देश के पास यहाँ पे कुछ द्वीप समूह है, जिसको हम अंडमान और निकोबार बोलते हैं। ठीक है, तो हम अंडमान निकोबार को कंसीडर करेंगे तो हमारा जो इंडिया का विस्तार है, जो हमारे इंडिया का विस्तार है, अक्षांतरी विस्तार है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 6 degree 7 minutes से। कहाँ से स्टार्ट होता है? 6 degree 7 minutes से, 6 degree 7 minutes से। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो हमारे इंडिया का जो अक्षांशी विस्तार, वो कहाँ से हो गया? 6 degree 7 minutes से 37 degree 6 minutes तक। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। अब आगे चलते हैं, देखिए, अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखेंगे इंडिया का, क्या देखेंगे? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखेंगे, तो वो स्टार्ट होता है 68 degree 7 minutes ईस्ट, 67 degree 7 minutes ईस्ट से। कहाँ तक जाता है? 97 degree 25 minutes ईस्ट तक। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि दोनों में क्या आएगा? ईस्ट ईस्ट आएगा। क्या आएगा?
ईस्ट ईस्ट आएगा, क्योंकि हमने देखा था कि प्राइम मेरिडियन की हिसाब से जो हमारा इंडिया है वो किस गोलार्ध में आता है, किस हेमीस्फेयर में आता है, वो ईस्टर्न हेमीस्फेयर में आता है। उसी तरह आप यहाँ देखिए, यहाँ पर नॉर्थ नॉर्थ आएगा, कहाँ से, नॉर्थ से नॉर्थ, कि हमारा जो इंडिया है वो साउदर्न हेमीस्फेयर में दिया था, वो हमारा नॉर्दर्न हेमीस्फेयर में, तो दोनों जगह क्या आएगा, नॉर्थ नॉर्थ आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई, ये चीज़ आपने देख ली। अब आगे मेन हमको क्या देखना है, हमारा यूपी का लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से क्या है, एक्सटेंशन क्या है, वो हमको देखना है। तो यहाँ देखिए आप, जो अक्षांशी विस्तार है किसका, उत्तर प्रदेश का, वो स्टार्ट होता है 23 डिग्री 52 मिनट से। कहाँ से स्टार्ट होता है, 23 डिग्री 52 मिनट से। और आपको क्या पता है कि 23.5 डिग्री से यहाँ से कहाँ कहाँ से निकल के जाती है, मध्य प्रदेश से कर्क रेखा, तो हमारे यूपी को टच नहीं करती, यूपी के नीचे से निकल के जाती। ठीक है, और कहाँ तक जाता है यूपी का विस्तार, अक्षांशीय विस्तार कहाँ तक जाता है, 30 डिग्री 24 मिनट तक। कहाँ तक जाता है, सॉरी, 30 डिग्री 24 मिनट तक जो यहाँ आएगा। ठीक है, और उसी तरह अगर हम लॉन्गिट्यूडनल, हम क्या देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन देखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन अगर हम देखेंगे तो वो हमारा कहाँ है, यहाँ से 77 डिग्री 5 मिनट 2, 77 डिग्री 5 मिनट 2, 84 डिग्री 4 मिनट, 84 डिग्री 4 मिनट, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है। अब एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ नॉर्थ नॉर्थ मत भूल जाना, 77 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 77 डिग्री 5 मिनट नॉर्थ टू 84 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये याद रखना है, बहुत ज़रूरी टर्म है। अगर आपने इसमें गलती की तो आंसर ये ही होगा, 77 डिग्री 5 मिनट और 84 डिग्री 4 मिनट, आंसर यही होगा। अगर उसने यहाँ साउथ लिख दिया, वेस्ट लिख दिया, और आपने उस पर क्लिक कर दिया, टिक कर दिया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आज की हमने क्लास में अभी तक क्या देखा कि लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हमारा इंडिया कहाँ पर है, हमारा जो उत्तर प्रदेश है यूपी वो कहाँ पर है, ये आपको याद रखना है। एक्सटेंशन ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, वो पूछा जाएगा। ठीक है, कल से हम जो स्टार्ट करेंगे वो देखेंगे हम कि हमारे जो यूपी और के पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है, उन पड़ोसी राज्यों से हमारे कौन कौन से जिले अपनी सीमा बॉर्डर शेयर करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करना ना भूलें, जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। ठीक है, तो अगर क्लास पसंद आई हो तो कमेंट करके आप बताएंगे, जिससे मैं आपके लिए जल्द से जल्द अगली क्लास लेकर आ पाऊँ। ठीक है।